हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। हमारे पास कितने फॉर्मेट में ये इक्वेशन हो सकती है और हम लोग किस तरीके से इनको सॉल्व करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की, इसका जो जनरल फॉर्मेट है वो हमारे पास होता है dy by dx plus py equals to q। इस फॉर्मेट में मेरे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, ये जनरल फॉर्म है। यहां पर देखिए, p एंड q आर आइदर कॉन्स्टेंट और मे बी फंक्शन ऑफ x। यहां पर ये जो p और q नोटेशन में काम में ले रहा हूं वो क्या है, मेरे पास फंक्शन है, या तो कॉन्स्टेंट होंगे या फिर x के फंक्शन होंगे। फॉर एग्जाम्पल, dy by dx प्लस x स्क्वायर y इक्वल्स टू x क्यूब। तो यहां पर देखें, यदि हम लोग इसको इससे कंपेयर करेंगे तो ये इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो कौन सी है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहां पर p की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर, एंड q की वैल्यू क्या होगी, यहां पर x क्यूब। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल ले हम लोग, dy by dx plus 2y equals to x raised to power 4। तो यहां पर देखिए, p की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट है, और यहां पर q की वैल्यू क्या होगी, x raised to power 4। तो इस जनरल फॉर्म से कंपेयर करके हम लोग p और q की वैल्यू यहां से फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम तो ये करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन को आइडेंटिफाई करना है कि ये मेरे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी या फिर नहीं होगी। यहां पर इसकी डिग्री और ऑर्डर 1 है। इसी तरीके से एक और जनरल फॉर्म मेरे पास हो सकता है, यहां पर क्या होगा, dx अपॉन dy प्लस p डेस x इक्वल्स टू q डेस। ये भी मेरे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहां पर अब क्या होगा, p डेस एंड q डेस आर आइदर कॉन्स्टेंट और फंक्शन ऑफ y। यहां पर p डेज और q डेज क्या होंगे, यहां पर कांस्टेंट हो सकते हैं या फिर y के फंक्शन होंगे। एग्जांपल से हम लोग इसको चेक करें तो देखिए, dx अपॉन dy प्लस 2x इक्वल्स टू y क्यूब। तो यहां पर देखें, p डेज क्या होगा, 2 के इक्वल होगा, और q डेज किसके इक्वल आ रहा है, यहां पर y क्यूब। इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले हम लोग, कई बार क्या होता है, एक डायरेक्ट फॉर्मेट में डायरेक्ट हम लोगों को दिया हुआ नहीं रहता कि ये लीनियर होगा या नहीं होगा, हम लोगों को उसको चेंज करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस टेन इनवर्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू जीरो। तो यहां पर देखें हम लोग, ये लीनियर फॉर्मेट में नहीं दिख रहा, तो सबसे पहले हम लोग इसको लीनियर में चेंज करेंगे। अब यहां पर ये चेक करना है कि ये इस फॉर्म में होगा या फिर इस लीनियर फॉर्म में होगा। तो यहां पर देखो, फंक्शन को देखकर, इक्वेशन को देखकर हम लोगों को चेक करना है। यहां पर वाई के फंक्शन ज्यादा है, वाई के फंक्शन ज्यादा है, इसका मतलब ये इस फॉर्मेट में हो सकता है। तो इसको एक बार चेक करते हैं हम लोग, इसको इस फॉर्म में चेंज करते हैं। तो इस टर्म को हम लोग उधर लेके चले जाते हैं, माइनस ऑफ वन प्लस। अब क्या करना है, इसको चेंज करना है, तो dy by dx किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ऑफ वन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस e रेज टू पावर माइनस टेन इनवर्स y। अब इसको चेंज करना है, तो इसको रिवर्स करेंगे तो क्या बन जाएगा, dx अपॉन dy इक्वल्स टू माइनस साइन कॉमन ले रहा हूं मैं ऊपर से भी, और इसको रिवर्स कर रहे हैं, e रेज टू पावर माइनस टेन इनवर्स y माइनस एक्स अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर। अब सेपरेट कर देना है, dx अपॉन dy इक्वल्स टू माइनस ऑफ वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स, ये वाली टर्म मैं पहले लिख रहा हूं, देन प्लस e रेज टू पावर माइनस टेन इनवर्स y अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर। और इसको थोड़ा सा और अरेंज कर ले तो फाइनली मेरे पास जो फॉर्मेट है वो इस फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा। तो यहां पर देखिए, अब कंपेयर करें
तो यहां पर ये वाले जो टर्म है ये क्या है पीडेस, तो पीडेस क्या हो जाएगा यहां पर 1 अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर व्हिच इज द फंक्शन ऑफ y, एंड क्यूडेस क्या होगा यहां पर e रेस टू पावर माइनस टेन इनवर्स y अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर। तो कई बार क्या होता है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं गिवन होती है, हम लोगों को उसको चेंज करके ये पता करना होता है कि ये लीनियर है या फिर किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर होगी या फिर नहीं होगी। अब इन इक्वेशंस को हम लोग सोल्व क्या कैसे करते हैं वो डिस्कस करेंगे। देखिए फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग कैसे सोल्व करते हैं, तो मेरे पास जनरल फॉर्म गिवन है dy by dx plus py equals to q, इसको हम लोगों को सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोगों को एक ऐसा फंक्शन यहां पर फाइंड करना है जिससे ये जो फंक्शन है ये जो इक्वेशन है वो सिंप्लीफाई हो जाए। लेट द फंक्शन इज gx और मैं इस फंक्शन से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ऐसा करने के पीछे रीजन क्या है मेरा, ये जो मेरे पास साइड है ये सिंप्लीफाई होकर वो इस फॉर्म में चेंज हो जाए y इंटू जी एक्स, यानी जी एक्स एक ऐसा फंक्शन यहां पर मैं फाइंड कर रहा हूं ताकि ये वाली साइड क्या हो जाए मेरे पास एक सिंगल फंक्शन y इंटू जी एक्स के डेरिवेटिव के फॉर्म में चेंज हो जाए। तो यहां पर देखो इसको कैसे चेंज करेंगे फिर, यानी ये वाला जो मेरे पास साइड है वो इसके इक्वल करना है। तो dy by dx into gx plus py into gx, p यहां पर फंक्शन x का कोई फंक्शन होगा, इक्वल्स टू इसको किसके इक्वल रखना है d by dx of y into gx, मेरे को एक ऐसा फंक्शन फाइंड करना है gx ताकि ये इसको सॉर्ट फॉर्म में और सिंगल डेरिवेटिव की फॉर्म में इस तरीके से एक्सप्रेस कर सके। तो देखें dy by dx into gx plus py gx, इसको डिफरेंशिएट करते हैं uv प्रोडक्ट रूल यहां पर अप्लाई कर रहा हूं, y को डिफरेंशिएट किया, then dy by dx gx as it is रहेगा, then plus y को as it is रखेंगे और gx का हम लोग डेरिवेटिव लेंगे, let's the derivative is g dash x, gx के डेरिवेटिव को मैं g dash x से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, तो यहां पर क्या बना मेरे पास y से y कैंसिल हो जाएगा, देन p इनटू gx इक्वल्स टू g डैश x, दैट इंप्लाइज p इक्वल्स टू g डैश x अपॉन gx। अब यहां पर इसको सिंप्लीफाई करना, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, यदि दोनों साइड को हम लोग x से इंटीग्रेट करेंगे तो ये वाली साइड क्या हो जाएगी p डॉट dx और ये वाली साइड क्या बन जाएगी g डैश x अपॉन gx इनटू dx। अब यहां पर इसको इंटीग्रेट करना है तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, लेट gx इक्वल्स टू t देन g डैश x dx किसके इक्वल होगा dt, ये इंटीग्रेशन करने का मेथड है इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। तो यहां पर जो वैल्यू है वो किस तरीके से बन जाएगी pdx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन g डैश x dx dt हो जाएगा, देन 1 अपॉन t dt दैट इंप्लाइज p डॉट dx, हम लोग इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते क्योंकि p यहां पर हम लोगों को पता नहीं है किस टाइप का फंक्शन है कौन सा फंक्शन है, ये हो जाएगा log t और t की वैल्यू हम लोग वापस यहां पर पुट करेंगे pdx equals to log of g of x। तो यहां से हम g of x की वैल्यू फाइंड करें तो एंटी लॉग ले रहे हैं हम लोग यहां से, तो gx की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास e raised to power p dot dx। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इस इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक जो फंक्शन जनरेट हो रहा है gx इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये जो फंक्शन होगा इसको बोलते हैं हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर और शॉर्ट में हम लोग इस फंक्शन को बोलते हैं इस फैक्टर को बोलते हैं if, ठीक है। तो ये जो gx है वो मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू पावर p डॉट dx ये मिल गया। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो gx की वैल्यू हम लोग यहां पुट कर रहे हैं, ये वाली जो इक्वेशन है वो सिंप्लीफाई हो गई, तो हम लोग इस इक्वेशन को
इस तरीके से लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इंटू जी एक्स विच इज इक्वल्स टू क्यू इंटू जी एक्स. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेट करेंगे तो ये डिफरेंशिएशन रिमूव हो जाएगा यहां से, और इंटीग्रेशन ऑफ दिस विथ रेस्पेक्ट टू एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी. दोनों साइड मैंने एक्स इंटीग्रेट करा तो ये डिफरेंशिएशन कैंसिल आउट हो जाएगा. तो जी एक्स की वैल्यू हम लोग वापस पुट करें तो वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ क्या है मेरे पास, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है इक्वल्स टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी. तो ये जो मेरे पास फाइनल सॉल्यूशन है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. तो जब भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है इस जनरल फॉर्म में हो डीवाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, तो सबसे पहले हम लोगों को करना क्या है, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करना है. मीन्स पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है कंपेयर करके. यदि पी की वैल्यू हम लोगों को मिल चुकी है तो हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं. यदि आई एफ कैलकुलेट हो गया तो डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन क्या होगा, वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स प्लस सी. इसी तरीके से यदि मेरे पास दूसरी फॉर्म में मेरे पास इक्वेशन है मीन्स dx अपॉन dy प्लस p dash x इक्वल्स टू q dash, यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का दूसरा फॉर्मेट दे रखा है, तो हम लोग इसी प्रोसीजर से उसको सिंप्लीफाई करते हैं. तो चेक करते हैं कैसे हम लोग उसको सॉल्व करेंगे. देखिए सेकंड टाइप का जनरल फॉर्म क्या होता है, dx अपॉन dy प्लस p dash x इक्वल्स टू q dash. यहां पर p dash एंड q dash क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे या फिर y के फंक्शन हो सकते हैं. तो यहां पर देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले, और यहां पर इंटीग्रेटिंग जो फैक्टर होगा वो होगा e raise to power p dash. अब ये p dash क्या है, y का फंक्शन है, तो y के रेस्पेक्ट में हम लोगों को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. if कैलकुलेट करने के बाद में जो इसका सॉल्यूशन होता है वो क्या होगा, x into इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू q dash into इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और ये दोनों के दोनों y के फंक्शन है तो हम लोगों को y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा प्लस सी. तो जब भी हम लोगों को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है या फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की या इस फॉर्मेट में दे रखा हो तो भी हम लोगों को प्रोसीजर यही काम में लेना है. सबसे पहले हम लोग आई एफ कैलकुलेट करते हैं विच इज इक्वल टू पी डॉट डी एक्स, देन फाइनल सॉल्यूशन क्या होता है, वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डॉट डी एक्स प्लस सी. तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका हो गया मेरे पास, किसी भी मेरे पास फॉर्मेट में हो. तो सबसे पहले हम लोग आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करेंगे, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करने के बाद में जो इसका सॉल्यूशन होगा वो होगा वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड देन इंटीग्रेशन प्लस सी. और यदि इस फॉर्मेट में है तो हम लोग सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करेंगे. यहां पर केवल चेंज हो रहा है एक्स की जगह वाई और वाई की जगह एक्स हो रहा है. तो यहां पर पीडेस वाई का फंक्शन है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, पीडेस को वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, और उसका जो सॉल्यूशन होगा वहां एक्स आएगा. तो एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू क्यू डेज आई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू वाई प्लस सी. तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल से इन दोनों फॉर्म को समझते हैं किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे. देखिए एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं किस तरीके से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री इज सॉल्व. तो सबसे पहले हम लोग इसको जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की उसके जनरल फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करते हैं. तो dy by dx plus py equals to q फॉर्म में चेंज करते हैं. तो x log x का डिवाइड करना होगा मेरे को सबसे पहले. तो ये जो इक्वेशन है वो बन जाएगी dy by dx plus 1 upon x log x into y equals to 2 upon x. x log x का डिवाइड किया. अब मेरे पास ये जो फॉर्म है वो जनरल फॉर्म के इक्विवेलेंट आ गया, इसी फॉर्म में है. यहां पर कंपेयर करके हम लोग p और q की वैल्यू फाइंड करेंगे. p इक्वल्स टू 1 अपॉन x log x और q की वैल्यू यहां पर क्या होगी 2 अपॉन x. तो जब भी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो if इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले. तो if क्या होगा, if इक्वल्स टू e रेज टू पावर p, p की वैल्यू x log x डॉट dx.
अब इसका इंटीग्रेशन हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, सब्स्टिट्यूशन से देखें, लॉग एक्स को हम लोग टी पुट करेंगे, देन वन अपॉन एक्स डी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, डी टी। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहां से क्या हो गया मेरे पास, ई रेज टू पावर वन अपॉन एक्स डी एक्स, तो ये वन अपॉन एक्स और डी एक्स ये डी टी के इक्वलेंट हो जाएगा और लॉग एक्स होगा टी, तो ई रेज टू पावर वन अपॉन टी डी टी, और वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन होता है लॉग टी। और लॉग की प्रॉपर्टी से देखिए, बेस और ये लॉग का बेस यदि सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाते हैं और जो वैल्यू होती है वो एज इट इज यहां पर मिलेगी टी, और टी हम लोगों ने रिप्लेस किया था लॉग एक्स को इक्वल माना था, तो टी की वैल्यू क्या हो गई मेरे पास, लॉग एक्स। तो यहां से जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ रहा है वो क्या है मेरे पास, लॉग एक्स। अब यहां पर इसका सॉल्यूशन क्या होता है, तो डायरेक्ट हम लोग यहां सॉल्यूशन करेंगे इसका, तो सॉल्यूशन होता है y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q, क्योंकि वैल्यू क्या है यहां पर देखिए 2 अपॉन x, देन 2 अपॉन x, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है यहां पर log x प्लस इंटीग्रेशन, सॉरी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 2 अपॉन x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है log x dx प्लस c। अब फाइनली इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हम लोगों को इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मिलेगा। तो यहां पर मैं इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूं, देन इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन x log x dx। तो यहां पर क्या करना है, log x को अगेन t पुट करना है, सब्स्टिट्यूशन से होगा इंटीग्रेशन इसका, देन 1 अपॉन x dx इक्वल्स टू dt। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, 2 इंटीग्रेशन साइन से बाहर आएगा और 1 अपॉन x dx dt हो जाएगा, देन t dt, और फाइनली इसका इंटीग्रेशन हो गया t स्क्वायर अपॉन 2, 2 ऑलरेडी है तो इसका इंटीग्रेशन होगा t स्क्वायर, और t स्क्वायर की जगह वापस वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो गया log x का होल स्क्वायर। तो यहां पर इस इंटीग्रेशन की वैल्यू पुट कर देंगे तो फाइनल सॉल्यूशन क्या हो गया, y इनटू log x इक्वल्स टू log x का होल स्क्वायर प्लस सी। तो ये इसका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आईएफ कैलकुलेट करेंगे और डायरेक्ट हम लोग यहां पर इसको सॉल्यूशन में पुट करके फाइनल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग, जिसके अंदर दूसरी फॉर्म का मेरे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। देखिए एक और एग्जांपल हम लोग करते हैं, तो इस टाइप से मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन जब भी सॉल्व करेंगे तो हम लोग सीक्वेंस में इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग मेथड अप्लाई करते हैं वेरिएबल सेपरेशन का, देन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेशन, देन ये चेक करना है कि इक्वेशन मेरे पास होमोजेनियस है या नहीं है, वो सेपरेट वीडियोस में मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। देन रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, देन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और कुछ स्पेशल टाइप के मेरे पास मेथड्स हैं जिनको अप्लाई करके हम लोग फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको चेक करते हैं कि ये लीनियर है या नहीं है। तो उसके लिए dy by dx की फॉर्म में चेंज करना है, तो माइंड में सबसे पहले ये आता है कि ये कौन सी फॉर्मेट में होगा। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के भी दो फॉर्म है, तो ये dy by dx plus py equals to q फॉर्मेट में होगा, या dx upon dy plus p dash x equals to q dash फॉर्मेट में होगा। तो यहां पर ये चेक करें, तो यहां पर देखिए y के फंक्शन ज्यादा आ रहे हैं, y के फंक्शन ज्यादा है, इसका मतलब मेरे पास कौन सा फॉर्म बनेगा, dx upon dy plus p dash x equals to q dash, क्योंकि उसमें x की केवल एक सिंगल टर्म आती है और p dash और q dash y के फंक्शन होते हैं। तो यहां से इसको उस फॉर्म में चेंज करते हैं, इसको राइट साइड शिफ्ट करते हैं, x plus 2y square into dy, that implies dx upon dy equals to x plus 2y square upon y, then dx upon dy इसको सेपरेट कर लेंगे, then 1 upon y into x plus 2y, और इसको जनरल फॉर्म के फॉर्म में इस तरीके से चेंज कर लेंगे equals to 2y। तो ये मेरे पास फॉर्म बन गया dx upon dy plus p days x equals to q days, where p days and q days are function of y। तो यहां से देखिए p days की वैल्यू क्या होगी, 1 upon y, and q days की जो वैल्यू होगी वो होगी 2y। तो यहां से इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्यूशन के लिए हम लोग सबसे पहले IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करेंगे,
तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया e रेस टू पावर p डेज विथ रेस्पेक्ट टू y, e इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन y dy इक्वल्स टू e रेस टू पावर माइनस 1 अपॉन y का इंटीग्रेशन होता है log y, तो माइनस साइन को हम लोग ऊपर लेके चले जाते हैं, तो इसको हम लोग log y रेस टू पावर माइनस 1 log की प्रॉपर्टी है और इसको फर्दर हम लोग 1 अपॉन y से रिप्लेस कर सकते हैं। लॉग की प्रॉपर्टी यहां अप्लाई करेंगे, यहां बेस और लॉग का बेस सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और इसकी वैल्यू क्या होगी 1 अपॉन y। तो फाइनल इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q डेज और q डेज की वैल्यू क्या है यहां पर 2y, तो 2y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर व्हिच इज 1 अपॉन y इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y प्लस c। तो फाइनली मेरे पास आंसर क्या आ गया, x अपॉन y इक्वल्स टू 2 y से y कैंसिल और 1 का इंटीग्रेशन होगा y प्लस का c, तो फाइनली मेरे पास आंसर आ गया x इक्वल्स टू 2y स्क्वायर प्लस c इनटू y। तो इस तरीके से हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं जो कि फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की।